हेलो बनारस, अभी हम मौजूद हैं वाराणसी का मुख्य लैंडमार्क वाराणसी जंक्शन। आप सामने देख सकते हैं अभी समय हो रहा है 6:40। आप ये बड़ी वाली घड़ी में देख सकते हैं, आपको जूम करके भी दिखा दे, ये आप देख सकते हैं 6:40 होने वाला है। तो मेरी सिटी राइड अब यहाँ से स्टार्ट होती है। आपको दिखाएंगे आज G20 का अपडेट, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको G20 का पूरा अपडेट। वीडियो कहीं से स्किप मत करिएगा। दोस्तों आपको बता दें, ये वाराणसी का ऐसा प्रमुख जंक्शन है जहाँ से लाखों यात्री पर मंथ यहाँ से अपनी यात्रा शुरुआत करते हैं। और इसकी खूबसूरती भी देख सकते हैं, क्या जबरदस्त है। ये नया निर्माण किया जा रहा, ऊपर अनारक्षित टिकट घर आपको सामने दिख रहा है। हमें आज दिखाना आपको G20 का अपडेट, तो दिखाते हैं आपको G20 का अपडेट। सामने आप देख सकते हैं मेरी काशी मेरा स्वाभिमान, अभी पहुंच गए हैं हम लोग नदेसर के एरिया में। आप देख सकते हैं मकानों के पेंटिंग दोनों साइड में बिल्कुल एक कलर की पेंटिंग है, और लाइटिंग व्यवस्था तो उम्दा क्वालिटी का है। और ये रोड का भी देखिए, ये रोड भी नया बनाया गया है। खंभों पर G20 लिखा हुआ, और जो डिवाइडर है डिवाइडर में भी इसको पेड़ पौधे से हरा भरा कर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं ये पेंटिंग, क्योंकि ये प्रमुख एरिया है G20 के मेहमानों के रुकने का। यहीं पर है होटल गंगेज, जहाँ पर G20 के आने वाले प्रमुख मेहमान रुकेंगे। ये सामने देख सकते हैं होटल ताज गंगे, जो प्रमुख लोग आएंगे मेहमान वो यहीं रुकेंगे। और इस साइड में देख सकते हैं ये रेलिंग लगी हुई है, आपको रेलिंग तो लगी हुई बहुत जगह दिखाई पड़ जाएगी G20 के अंतर्गत, लेकिन ये रेलिंग स्टील का बनाई गई है और बाकी जगह लोहे की जो है रेलिंग लगाई गई है। ये दोनों में अंतर है। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहले गंदगी हुआ करती थी, लेकिन ये अरौरा यानी चुनार क्षेत्र का पत्थर लगा करके इसको डेकोरेट कर दिया गया। सामने बुद्ध जी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया है, और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये स्थान। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब प्रवेश कर गए हैं वाराणसी छावनी में। आप ये सामने बोर्ड देख सकते हैं, वाराणसी छावनी में आपका स्वागत है। तो फाइनली प्रवेश कर रहे हैं, सामने G20 का बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए, इस रास्ते को भी बिल्कुल जगमग बना दिया गया है, पेड़ों में लाइटिंग व्यवस्था काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और आपको बता दें, ये एरिया में बहुत ज़्यादा होटल्स हैं, विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं। देख सकते हैं आप, जितनी भी गाड़ियां हैं सबका नंबर प्लेट पीले कलर का होगा, आप समझ सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे मेहमान आते हैं। और आपको ये एक विशेष चीज़ आपको दिखा दें, वाराणसी छावनी, छावनी परिषद वाराणसी द्वारा ये डेवलप किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं, ये BSNL ऑफिस के सामने एक छोटा सा ग्रीन पार्क डेवलप किया गया है। ये विमान सामने दर्शाया गया है, क्योंकि ये छावनी का एरिया है तो ये लड़ाकू विमान को यहाँ पर दर्शाया गया। और सामने आपको वाराणसी छावनी लिखा हुआ दिख जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सुंदर तरीके से लाइटिंग व्यवस्था के साथ ये वाराणसी छावनी लिखा हुआ है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, ये मशीनरी का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं ये इसे छोटे छोटे तकनीकी, जैसे चेन है, उसका एक
दांतेदार रिंग है, तो उस टाइप का इसके अंदर लेखनी प्रयोग किया गया। छावनी परिषद वाराणसी के द्वारा स्थापित किया गया यहाँ पर। और आपको बता दें जो छावनी का स्थापना है ये 1811 का है। उनके स्लोगन है कर्तव्य निष्ठा और समर्पण। सामने बेहतरीन G20 का बोर्ड लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। वाराणसी छावनी बैनर से अब बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं पूरा दृश्य। ये सामने आप देख सकते हैं मदर टेरेसा जी की बेहतरीन प्रतिमा लगाई गई है, वो भी लाइटिंग व्यवस्था जबरदस्त। अब यहाँ से बढ़ते हैं हम दाहिनी की ओर, आपको दिखाते हैं अपडेट। ये देखिए संत मदर टेरेसा, आगे बढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा ये दूरदर्शन का बड़ा सा टावर, ये उसका बोर्ड दूरदर्शन केंद्र वाराणसी। दूरदर्शन केंद्र वाराणसी के बगल में ये देखिए रेलिंग, इसकी पेंटिंग कर दी गई है ब्लैक येलो एंड रेड से, ये पेंटिंग की गई है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है पेंटिंग, ये नया पेंटिंग है G20 के अंतर्गत। ये वाराणसी का बेहतरीन लोगो, देखिए ये इसमें इस रेलिंग के अंदर देखिए ये बड़े बड़े गमले लगाए गए हैं, 24 इंच के गमले हैं, 1100 गमले इस वाराणसी में G20 की तैयारियों को लेकर के लगाया गया है। ये देखिए खूबसूरत बड़ा गमला। अभी आ गए हैं हम चौराहे पर, यहाँ पर ग्रीन सिग्नल है तो आगे बढ़ेंगे, फिर आपको दिखाते हैं अपडेट। दोस्तों ये वरोड़ा ब्रिज पर देखिए ये तैयारियाँ, देखिए ये लाइटिंग व्यवस्था बेहतरीन, ये इस साइड भी बेहतरीन लाइटिंग व्यवस्था, और उस साइड भी देखिए ये लाइटिंग व्यवस्था मस्त है, ज़बरदस्त है। और इसी के बगल में अप्रैल महीने में जो G20 की तैयारियां की गई थी उसका नज़ारा यहां पर है। ये रेलिंग्स, इसके अंदर लिखा हुआ G20 और बहुत सारे जानवर लगाए गए हैं, आपको अंदर हम प्रवेश करके दिखाएंगे। अभी दोस्तों देखिए सुरक्षा की दृष्टि से उस साइड में जाली लगा करके घेराबंदी कर दिया गया है ताकि लोग पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। और ये रेलिंग अभी नया लगाया गया घेराबंदी को लेकर के, इसका पेंट बाकी है अभी। खूबसूरत खूबसूरत पेड़ देख सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर। ये देखिए G20 और यहाँ बेहतरीन ग्रीन सुविधा, ये जिराफ। मस्त है, आपको यहाँ पर सावधानी भी बता दें, सावधानी आप देख सकते हैं। आप पहले तो आप CCTV कैमरे की नज़र में हैं, वाराणसी शहर आपका अपना शहर है, कृपया इसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सहायता करें। दंडनीय अपराध क्या क्या हैं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना और टोपेरी जानवरों की आकृतियों को छूना, ये दंडनीय अपराध है। लान में खेलना कूदना टहलना मना है। कचहरी एरिया में, उससे पहले आपको दिखा दे
ये रेलिंग पेंटिंग और ये लास्ट में जो ग्रीन चादर लगाया गया, इससे पहले वो ग्रीन मैट लगाया गया था कपड़े वाला, अब ये प्लास्टिक का लगा दिया और खूबसूरत लग रहा है देखने में। सामने आप देख सकते हैं गांधी जी का प्रतिमा, ये पूरी तरीके से अभी आकृति में नहीं है। और ये बगल में ये देख सकते हैं जानवर और G20 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये G20 और दिल बना हुआ, तो बने रहिए, दिखाते हैं आपको और दृश्य। दोस्तों आ गए अब अंबेडकर चौराहा, लाइटिंग व्यवस्था देखिए क्या ज़बरदस्त है अंबेडकर चौराहा की, और एक वो बड़ा सा लाइटिंग था अभी जल नहीं रहा है, अभी जलेगा तो क्या खूबसूरत व्यवस्था हो जाएगा। दोस्तों ये है अंडरग्राउंड 2 लेवल पार्किंग का बाउंड्री, ये भी सजाया गया। सामने देख सकते हैं ये जो रेलिंग है ये नई बनाई गई है। दोस्तों ये देखिए सर्किट हाउस की जो खूबसूरती ये देखने बनती है, और ये पेड़ पर तो जो झालर लगा हुआ है अभी कुछ लाइटें बंद है, इस चौराहे का खूबसूरती तो अलग ही है, आपको दिखाते हैं। यहाँ की जो खूबसूरती है, आई लव लिखा बनारस, और ये G20, लगभग करोड़ों लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। ये जैसे कचहरी पर लिखा हुआ G20, बीच में ये है आई लव वाराणसी, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं सर्किट हाउस से सामने, जैसे सर्किट हाउस है, सर्किट हाउस के आगे आप देख सकते हैं ये भी बाउंड्री पर बेहतर लाइटिंग व्यवस्था है। इधर भी आपको बता दें G20 जून की तैयारियां बहुत तेज़ी से चल रही है। जून 11, 12 और 13 को हमारे डेलीगेट्स आने वाले हैं, और वो काफ़ी संख्या में इस बार आने वाले हैं, तो उसकी तैयारियाँ भी काफ़ी बेहतर तरीके से वाराणसी प्रशासन द्वारा की जा रही है। तो बढ़ते हैं आगे, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों ये है सदर तहसील, ये सामने उसकी बाउंड्री है, और यहाँ पर भी तैयारियाँ देख बता दें, ये जो डिवाइडर इसकी पेंटिंग हो गई है, रेलिंग की पेंटिंग हो गई है, और डिवाइडर के ऊपर जो एक पौधे के लिए लगाया गया है ये जाली, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं खूबसूरत खूबसूरत जो है पौधे लगाए गए हैं, शोपीस वाले, फूल वाले, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए, ताकि हमारे डेलीगेट्स जो आए देखें तो कुछ अलग से उनको देखें। इस समय वाराणसी प्रशासन तैयारियों को लेकर के पेंटिंग और रोड बनाना, लाइटिंग, इस पर बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। लाइट आप देख ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि गड़बड़ लग रहा हो, बहुत खूबसूरत लग रहा है लाइटिंग व्यवस्था। दोस्तों अभी G20 को अपडेट के लिए बस इतना ही, वीडियो बड़ा हो रहा है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।